नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक में कुमार स्वामी सरकार के लिए फॉर्मूला तैयार हो गया है। स्वामी सरकार में आपको हम बता दें कि अभी जो खबरें आ रही है सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 20 मंत्री होंगे और 13 मंत्री होंगे जेडीएस के। आपको बता दें येदुरप्पा की सरकार गिरने के बाद, यानी कि बहुमत साबित नहीं कर पाए थे येदुरप्पा, और उसके बाद अब न्योता मिला है जेडीएस और कांग्रेस को सरकार बनाने का, जिसमें ये फॉर्मूला तय हुआ है 20 और 13 का। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, जाहिर सी बात है कांग्रेस और जेडीएस खेमे में बेहद खुशी है और अब ये नया फॉर्मूला सामने आ गया है जिसमें बताया जा रहा है कि 20 मंत्री होंगे कांग्रेस के और 13 जेडीएस के। जी बिल्कुल, देखिए जो अभी हम लोग को खबरें मिल रही हैं, देर रात तक इन लोग की बैठक हुई थी और जेडीएस और कांग्रेस चाहते हैं कि इनके बीच में कोई मतभेद ना हो, मनमुटाव ना हो मंत्रिमंडल को लेके, कैबिनेट को लेके। आपको याद होगा कि कुमार स्वामी ने जब मुख्यमंत्री के तौर पे मुख्यमंत्री कांग्रेस ने सपोर्ट किया था उनको, तो और वो गए थे गवर्नर हाउस ये लेटर ऑफ सपोर्ट देने, उस वक्त भी खबरें आई थी कि क्या मंत्रिमंडल भी साथ में स्वेरिंग शपथ ग्रहण में शपथ लेगा, पर उस वक्त मामला इतना पेचीदा था कि किसी भी स्थिति में जेडीएस और कांग्रेस ये जोखिम नहीं उठाना चाहती थी कि किसी विधायक को नाराज करे और किसी विधायक को मंत्रिमंडल दे, तो इसलिए ये तय हुआ था कि सिर्फ कुमार स्वामी शपथ लेंगे। लेकिन अब क्योंकि मामला सुलझ गया है, उनको मालूम है कि उनकी सरकार एक स्थिर सरकार चलनी है, येदुरप्पा साहब ने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए अब वो अपने मंत्रियों को भी तैयार कर रहे हैं। 20 कांग्रेस के होंगे, 13 जेडीएस के होंगे और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट, उप मुख्यमंत्री की पोस्ट वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, मुख्यमंत्री कुमार स्वामी रहेंगे। बिल्कुल, हालांकि जो चुनाव हुआ है उसमें जाहिर सी बात है यही दो मुख्य तौर पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं, कर्नाटक चुनाव में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं, लेकिन अब साथ चलाना सरकार ये भी एक बड़ी चुनौती मौसमी। ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि दोनों लोग बीजेपी से ज्यादा दोनों लोग आपस में आमने सामने रहे हैं और आर पार की लड़ाई इनके बीच में ज्यादा घमासान मचा रहा था, तो भाजपा भी अब बाहर से बैठ के तमाशा देखेगी कि ये लोग कितने साल सरकार चला सकते हैं। बीजेपी खेमे में भी है कि एक साल दो साल से ज्यादा इन लोग की बन नहीं पाएगी, उससे पहले ही खटास आ जाएगी, तो ये देखना होगा कि यही कोशिश है एक जेडीएस और कांग्रेस की कि कम से कम शुरुआत में मंत्रिमंडल को लेके कोई मनमुटाव ना हो, इसीलिए ये पूरा खाका तैयार किया गया है ताकि आराम से सरकार चल सके, 20 कांग्रेस के हो जाए, 13 जेडीएस के हो जाए, मुख्यमंत्री कुमार स्वामी बन जाए, तो आपस में ना अहम की लड़ाई हो और ना कोई झगड़ा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मौसमी, लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।